ग्राम पंचायत के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील विकासखंड डीक के ओझापुर के ग्राम प्रधान सुनील तिवारी की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता का विश्वास और गांव का बगैर भेदभाव विकास ने ओझापुर गांव को दिलाई एक नई पहचान। जनता के हितों को समर्पित ग्राम प्रधान सुनील तिवारी का अनवरत भागीरथ प्रयास। नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। निराश्रित महिलाओं ने कंबल का वितरण किया है, तो क्या रहा ये वितरण वाला कार्यक्रम? सर्वप्रथम मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना अपने ग्राम सभा के समस्त नागरिकों को देता हूं। जनपद वासियों को 2020 शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। उद्देश्य हमारा यही था कि अभी तक गोपीगंज के लोगों को ये चीज विथ क्वालिटी और रीजनेबल रेट पे और एक छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध होना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इसकी स्थापना करी, जो कि हम आज यहाँ पे अवेलेबल करा पा रहे हैं और उचित रेट पे पूरे इसमें, जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कमोबेश एवरी आइटम, जो भी विंटर के आइटम है, सभी आइटमों पे कम से कम 15% का डिस्काउंट हम लोगों ने लगा दिया। सबसे बड़ी बात है कि पहले ही हम लोगों ने जो रेट लगाया था आइटम्स का, उसी पे पहले ही हम लोगों ने कम किया था, अब उसपे भी 20% डिस्काउंट है। तो कस्टमर के लिए बहुमूल्य अवसर है और हम ये चाहेंगे कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो खुद तो इस अवसर का लाभ उठाए और अपने परिवार, मित्रजनों, अपने गांव देहात, जहां भी जो भी उनका सर्कल है, इस बात को शेयर करे और हमारी इस बात को पहुंचाए वहां तक, जिससे कि सारे लोग, मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सके, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और जैसा कि इस कंपनी के अगर फ्यूचर की बात होती है, तो हमारा एक दूसरा स्टोर सुभाष नगर में है, तीसरा स्टोर हमारा भदोही में लॉन्च होने वाला है, जिसमें अभी 3-4 महीने 5 महीने समय है। बस हम यही चाहेंगे कि रीजनेबल रेट पे कस्टमर लाभान्वित हो और एक छत के नीचे उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारे सामान उचित रेट पे हम उपलब्ध करा। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सीमित मात्रा में उपलब्ध कराया गया कंबल मेरे द्वारा वितरित किया गया। सीमित मात्रा में आया था, सबको मुहैया नहीं हो पाया, कुछ गरीब छूट गए हैं, जिनको मैं संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने मद से, अपने व्यवस्था से उनको कंबल वितरित करूंगा, जिससे पूर्ण रूप से निराश्रित गरीब लोग, असहाय लोग को ठंडी से बचाए।